गांजा तस्करों ने कटनी में गांजे का जाल बिछा रखा है। पुलिस ने सरिये से लोड ट्रॉले में गांजा छुपाकर तस्करी करने वाले दो तस्करों को पकड़ा है, जिनके पास से 50 किलो से ज्यादा गांजा जब्त हुआ। सरिये से लोड ट्रॉले में छुपाकर गांजा तस्करी करने का मामला सामने आया है। कटनी एसपी अभिजीत रंजन ने बताया कि एनकेजे थाने की पुलिस ने जूली ब्रिज के पास सरिये से लोड ट्रॉले की तलाश ली तो वहां से गांजे की गंध आई और ट्रॉला चालक भागने लगा। ट्रॉले की तलाशी लेने पर कंडक्टर की सीट के नीचे दो बॉक्स बने मिले, जिसमें गांजा रखा हुआ था। गांजे का कुल वजन 50 किलो 100 ग्राम निकाला, जिसकी कीमत लगभग 5,50,000 रुपए है। गांजे के साथ 55 लाख रुपए की कीमती ट्रॉले को भी जब्त किया गया। जब गाड़ी को रोक करके उसकी चेकिंग की गई तो कंडक्टर की सीट के नीचे गांजा, अवैध मादक पदार्थ गांजा, वो बरामद हुआ। और फिर गाड़ी की सघन जांच करने के पश्चात जो टूल बॉक्स है उसके अंदर भी एक चैम्बर होना पाया गया और उसमें भी एक बोरे में गांजा प्राप्त हुआ है। कुल मिलाकर के 50 किलो के लगभग गांजा इसमें बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 5 लाख से ऊपर है। साथ ही साथ ये जो ट्रॉला है और उस पर लोहे की सरिया लदी हुई थी, उसकी भी कीमत लगभग 55 लाख के आसपास है। ये पूरा घटनाक्रम है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।